थाना रेल बाजार क्षेत्र में स्थित रेल पटरी के किनारे एक व्यक्ति के सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिर को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में अभी जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक ADCP लखन यादव ने बताया कि थाना रेल बाजार इलाके में स्थित रेलवे लाइन पटरियों के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का सर मिला है जिसका धड़ नहीं है। बरामद होने की सूचना पर FSL टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। बरामद हुए सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज डॉक्टरों से पहचान कराई जा रही है और साथ ही धड़ की खोजबीन अभी जारी है। वहीं अज्ञात व्यक्ति का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। दिनांक 21 मई 2024 को थाना रेल बाजार क्षेत्र में रेल की पटरी के किनारे एक सर बरामद हुआ है व्यक्ति का। उसके साथ में धड़ अनुपस्थित है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही FSL को भी मौके पर बुलाया गया। FSL ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, लेकिन उसके परीक्षण के लिए सर को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी अभी भिजवाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उसके बारे में इंजरीज के बारे में और अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल उसके धड़ की खोज की जा रही है और इस व्यक्ति के सर के माध्यम से ही इस फोटोज़ और जितने भी आसपास के थाने और आसपास के जनपद हैं उनमें सभी में सर्कुलेट करके इसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे जिस प्रकार की भी सूचना या जानकारी प्राप्त होगी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।